मैं तो जब इतिहास देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो बड़ा अचंभित होता हूँ, एक तरह से रह जाता हूँ कि बताइए हमारे देश की इस धरती पर, भारत माता की इस गोद में कितने लोगों ने जन्म लिया, कैसे कैसे लोगों ने जन्म लिया। आप समझ रहे हैं? आप समझिए, जो देश के लिए एक तरह से 15-16 छोटी छोटी उम्र में शहीद हो गए, आप लोगों को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान भी दे दी। आप समझ रहे हैं, मैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की बात कर रहा हूँ। फिर चाहे आप विवेकानंद की बात करें, सुभाष चंद्र बोस साहब की बात करें, महात्मा गांधी, फिर चाहे भीमराव अंबेडकर साहब, फिर चाहे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर मैं देखिए कभी भी नहीं कहूंगा, इसीलिए मैंने आपको सभी की बायोग्राफी कवर करवाई हुई है, कि आप आज के नेताओं की तुलना उस समय के नेताओं से नहीं कर सकते। गांधी की गलती हो सकती है कहीं, लेकिन पूरी तरह से गांधी को गलत ठहरा देना, सरदार वल्लभ भाई को गलत ठहरा देना, मैं कभी भी नहीं मान सकता। और कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का बंटवारा हुआ गांधी की वजह से। मैं इतना कह सकता हूं कि या तो आप लोगों ने, अगर आप यही सोच रखते हैं, तो आप लोगों ने या तो कहां, या तो व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया से इतिहास पढ़ा होगा। कोई स्पेशल बुक्स आप लोग उठा के करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप भी अगर उस जब उस समय हो होते तो आप भी यही करते जो उस समय गांधी जी ने निर्णय लिया। आप समझ रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं कि एक परिवार को आप लोग ले लीजिए, परिवार में सुबह शाम लड़ाई होती है, मारकाट होती है, आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप परिवार के एक मुखिया हैं, तो आपका आपके पास ऑप्शन यही रहेगा कि सबको अलग अलग कर दिया जाए, सुख शांति में जिया जाए। समझ रहे हैं आप लोग? आप अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहा हूं मैं, अभी ज्यादा टाइम नहीं गुजरा हुआ है उन्हें, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से राजनीति में आए। उनकी कभी आप लोग बात सुनिए, इंटरव्यू देखिए, आप लोग किस तरह से बातें करते थे। कभी उन्होंने इस तरह की मोड़ तोड़, इस तरह की हिंदू मुस्लिम, इस तरह की बातें नहीं की है। आप समझिए, सभी को लेकर साथ चलने की बात की है। एक तरफ आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखिए, आप लोग दूर काहे को जा रहे हैं, प्रधानमंत्रियों में आप लोग देखिए शास्त्री साहब को, देखिए लाल बहादुर शास्त्री साहब को देखिए। कहा जाता है कि उनके बच्चों ने, जब प्रधानमंत्री वो बन गए, तो उनके बच्चों ने जबरदस्ती की कि वो, कि पिताजी एक कार ले लीजिए घूमने के लिए। वो सरकारी जो भी उनके पास कार थी, उसका परिवार के लिए यूज नहीं करने देते थे। तो उन्होंने कहा कि वो, उन्होंने एक ऋण से, मतलब आप देखते हैं ना कि आप लोग ऋण पर ले लेते हैं, एक तरह से कर्ज पर कार ले लेते हैं, तो जिंदा रहते हुए, अपने जिंदा रहते हुए वो उसका कर्ज अदा नहीं कर सके उस कार का। उनके मरने के बाद आप समझिए उनकी कार का एक तरह से कर्ज माफ किया गया। और आज के आप सरपंच साहब को देखिए, एक बार सरपंच जी जीतते हैं, फॉर्चूनर खड़ी कर लेते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि आप समझिए कि आज आप चीन की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, बाकी देशों की बात करते हैं, मैं इतना कह सकता हूं आपसे कि हमारे पड़ोसियों की छोड़िए आप लोग, अमेरिका को टक्कर दे रहा होता भारत अगर उस समय के नेताओं जैसे आज नेता ईमानदार होते। आप किस लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी किस लिए मतलब चाह रहे हैं आप लोग, कि कुछ पैसा मिले? इसी तरह आप समझिए उनके लिए राजनीति है कि वो पैसा कमाना चाह रहे हैं। और आपको अगर सब बहुत जल्दी बड़ा आदमी बनना है, पैसा चाहिए, तो मैं तो कहता हूं हमेशा की राजनीति में जाइए, उसी में है। अगर ईमानदारी से आप काम करेंगे, अपना पेट भी नहीं भर पाएंगे जिंदगी में। खैर छोड़िए, उन्हें हटाइए, भारत का जो भी आपको कहना है, दुर्भाग्य कहिए नेताओं को देखकर, लेकिन इतना कहूंगा कि उस समय के नेताओं से आप लोग तुलना मत किया करिएगा, क्योंकि उनकी आत्मा अगर होती होगी तो ऊपर तड़प रही होगी आपकी तुलना देखकर। आप देखते होंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कई बार आपका वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सुशासन दिवस मनाया जाता है आपका 25 दिसंबर को, एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जयंती पर। इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों के मध्य सरकार की जवाबदेही के प्रति जागरूकता पैदा करना है। याद रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब वही हैं जिन्होंने 13-13 पार्टियों को साथ लेकर गठबंधन की सरकार चलाई थी। समझ रहे हैं आप लोग, शासन और बीजेपी को यहां तक पहुंचाने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान रहा है। शासन प्रमुख बिंदु की बात करें, तो शासन यह निर्णय लेने और इन निर्णयों के कार्यान्वयन की एक प्रक्रिया है। शासन शब्द का उपयोग कई संदर्भों में किया जा सकता है, जैसे कि कॉरपोरेट प्रशासन, अंतरराष्ट्रीय प्रशासन, राष्ट्रीय प्रशासन
और स्थानीय शासन। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको लोगों को कि आप लोग कह देते हैं मोदी सरकार, मोदी सरकार कभी नहीं, ना ही आप लोग कांग्रेस सरकार कह सकते हैं, कांग्रेस पे शासन कह सकते हैं, बीजेपी पे शासन कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि डोनाल्ड पे शासन कहा जाता है, सरकार भारत सरकार होती है, ठीक है। तो कभी भी आप लोग आंसर लिख रहे हो तो आप लोग हमेशा लिखा करिए मोदी सरकार, मत लिखा करिए प्रशासन, लिखा करिएगा भारत सरकार हमेशा रहेगी, मोदी प्रशासन बदलता रहेगा, हो सकता है कि अगली बार बदल जाए, समझ रहे हैं आप लोग। तो याद रखिए सुशासन के 8 लक्षण संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्णित कौन कौन से हैं, भागीदारी, लोगों द्वारा सीधे या वैध वैध मध्यवर्ती संस्थानों के माध्यम से भागीदारी जो कि उनके हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, निर्णय लेने में लोगों को स्वतंत्र होना चाहिए, विधि का शासन, कानूनी ढांचा विशेष रूप से मानव अधिकारों से संबंधित कानून सभी पर निष्पक्ष रूप से लागू होना चाहिए, पारदर्शिता, सूचना के मुक्त प्रवाह को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है ताकि प्रक्रियाओं, संस्थाओं और सूचनाओं तक लोगों की सीधी पहुंच हो और उन्हें इनको समझने और निगरानी करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान की जाती है, जवाबदेही, संस्थाओं और प्रक्रियाओं द्वारा सभी हितधारकों को एक उचित समय सीमा के भीतर सेवा सुलभ कराने का प्रयास किया जाता है। और एक बात और आपको बताऊं, आप लोग कहते हैं कि स्ट्राइक हो चुकी है, पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी, चाइना पर स्ट्राइक कर दी, तो ये कोई नई बात नहीं है, आप लोगों को बताऊं आज से पहले भी हमारे देश में ऐसे ऐसे नेता हुए हैं कि आप समझिए कि इंदिरा गांधी साहब को ले लीजिए आप लोग, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, आप समझिए कि कारगिल का युद्ध देख लीजिए आप लोग, अटल बिहारी वाजपेयी को देख लीजिए आप लोग, तो आप समझिए इस भारत की धरती में कुछ ऐसा है, कुछ तो ऐसी बात है कि हमेशा शक्तिशाली नेता हमारे यहाँ हुए हैं, कोई कमजोर नहीं हुआ है, आप समझ रहे हैं। आम सहमति, सुशासन के लिए समाज में विभिन्न हितों को लेकर मध्यस्थता की आवश्यकता होती है ताकि समाज में व्यापक सहमति बन सके कि यह पूरे समुदाय समुदाय के सर्वोत्तम हित में है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सके। इक्विटी, सभी समूहों विशेष रूप से सबसे कमजोर वर्ग में स्थिति में सुधार करने या उसे बनाए रखने का अवसर प्रदान करना। फिर आप देखेंगे प्रभावशीलता और दक्षता, संसाधन और संस्थान उन परिणामों को सुनिश्चित करते हैं जो संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग करते हुए जरूरतों को पूरा कर सके। जवाबदेही, सरकार में निर्णय लेने वाले निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठन जनता के साथ साथ संस्थागत हितधारकों के प्रति जवाबदेह होते हैं। भारत में सुशासन के मार्ग में आने वाली बाधाओं की अगर बात करें, महिला सशक्तिकरण में कमी, सरकारी संस्थाओं और अन्य समृद्ध क्षेत्रों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। सबसे बड़ी बात आप लोग यही देख लीजिए, आप लोग विधानसभा के सदस्यों को देख लीजिए, राज्यसभा के सदस्यों को देख लीजिए, विधान परिषद के सदस्यों को देख लीजिए, लोकसभा के सदस्यों को देख लीजिए, ना के बराबर आपको देखने को मिलेगी महिलाएं, आप समझ रहे हैं। अभी आपने देखा है कि 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं चुनी गई, सबसे ज्यादा इस बार महिलाएं चुनी गई, आप समझिए 443 कुल सदस्य हैं लोकसभा में, और आप समझते हैं कि 50% के करीब आपकी महिलाओं की मतलब फीमेल की संख्या है और 50% के करीब आपकी आबादी एक तरह से मेल यानी कि पुरुषों की है, तो आप समझिए कितना अंतर है कि जब प्रतिनिधित्व करने की बात आती हो तो 78 महिलाएं केवल 443 में से, बाकी पुरुष। यहां भी आपको महिलाओं में एक तरह से इसीलिए तो कह देते हैं पितृसत्ता समाज है, यानी कि पुत्र को ज्यादा एक तरह से वरीयता देना, एक तरह से उसे ज्यादा मानना। और मैं तो कहता हूं कि आप लोग कहते हैं जन्म के बाद से, मैं तो कहता हूं जन्म के पहले से ही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार मतलब एक तरह से भेदभाव करने होने लगता है। आपने देखा होगा कि जब अल्ट्रासाउंड या किसी इस तरह की मशीन का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता था, ये तो आपकी सुविधा के लिए आया हुआ था कि जो भी बच्चा गर्भ में आया हुआ है उसमें कोई कमी ना हो, उसमें कोई आप समझिए कि बीमारी ना हो, सही कर दिया जाए। लेकिन उसका उपयोग किस लिए दुरुपयोग करने लगे हैं आप लोग कि लड़का है या लड़की है, अगर लड़की है तो उसी को भ्रूण हत्या यानी कि वही मार दिया जाता है, आप समझ रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं तभी से भेदभाव होने लगता है। दूसरी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। भारत में उच्च स्तर के भ्रष्टाचार को शासन की गुणवत्ता के सुधार के मार्ग में एक बड़ी बाधा के रूप में माना जाता है। एक नागरिक को समय पर न्याय पाने का अधिकार, लेकिन कई कारक हैं जिसके कारण एक सामान्य व्यक्ति को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है, और इस तरह के एक कारण के रूप में न्यायालयों में कर्मियों और संबंधित सामग्री की कमी है। एक बात और आप लोग याद रखिए,
भ्रष्टाचार को कोई और जन्म नहीं देता है, हम आप ही देते हैं। हर जगह आप लोगों की और हमारी ही गलती है एक तरह से। कोई अगर आप दूसरे पर समस्या डाल देते हैं कि ये इस समस्या के लिए बहुत जिम्मेदार है, मैं नहीं मानता हूं। नेता कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप ऐसे नेताओं को चुनते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? फिर आपकी प्रशासनिक शक्तियों का केंद्रीक है। निचले स्तर की सरकारें केवल तभी तभी कुशलता से कार्य कर सकती हैं जब वे ऐसा करने के लिए सशक्त हों, या विशेष रूप से पंचायती राज संस्थानों के लिए प्रासंगिक है जो वर्तमान में निधियों की पर्याप्तता के अपर्याप्तता के साथ साथ संविधानिक रूप से सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना कर रही है। और आप समझिए कि जो 73-74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992-93 में जो आप सोचिए संवैधानिक स्थिति मिली हुई है पंचायतों को, अगर गांधी जी कुछ समय तक और जिंदा रहते, आप सभी जान लोग जानते हैं कि 1948 में उनकी डेथ हो जाती है, उन्हें मार दिया जाता है, मतलब एक तरह से उनकी हत्या कर दी जाती है, वरना तभी पंचायतों को संविधान में जगह मिल चुकी होती है। मैं कहता हूं कि अगर पंचायतें सरपंच साहब प्रधान जिन्हें आप लोग कहते हैं वो ईमानदारी से काम करने लगे तो मैं कहता हूं कि 70 से 80% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं? मैं बहुत कम बोल रहा हूं, क्योंकि गांव की क्या समस्या है, किस व्यक्ति की क्या समस्या है, इसके बारे में सबसे बेहतर जान सकता है सरपंच। लेकिन आप समझ सकते हैं कि सरपंच और सचिव को अपना घर भरने से फुर्सत मिले तब तो वो आपके लिए करें। ठीक, तो राजनीति का अपराधीकरण, आप लोग मूवियां देखते रहते होंगे, जो बॉलीवुड की मूवियां हैं या साउथ की मूवियां हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई नेता बनता था तो उसकी मदद के लिए कुछ गुंडे रहते थे, वो पोलिंग बूथ एक तरह से जबरदस्ती वोटिंग करवाना, डराना, धमकाना, मार काट, इस तरह की बातों के लिए उन्हीं लोगों को चुना जाता था। लेकिन इनमें अपराधियों में भी दिमाग आ चुका था, उन्होंने सोचा कि मैं अगर किसी नेता को जिता सकता हूं तो मैं चुनाव क्यों नहीं जीत सकता हूं। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि अधिकतर आपके जो भी नेता हैं जिन्हें आप लोगों ने चुना है, उनमें बलात्कारी मिलेंगे, उनमें हत्यारे मिलेंगे, उनमें डकैत मिलेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि देश का कैसे उद्धार होगा और किस तरह से आगे जाएगा। जब आप बलात्कारी को चुनेंगे, आप हत्यारे को चुनेंगे, तो उससे उम्मीद क्या रख सकते हैं? उससे अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में तो नहीं रख सकते, महिलाओं के सम्मान की उम्मीद उससे नहीं रख सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में उससे उम्मीद नहीं रख सकते हैं, और इसके लिए आप लोग ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, राजनीतिक प्रक्रिया का अपराधीकरण और राजनेताओं और सिविल सेवाओं और तथा व्यवसायिक घरानों के बीच सांठगांठ सार्वजनिक नीति निर्माण और शासन पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, आप देखेंगे GII गुड गवर्नेंस इंडेक्स को देश में शासन की स्थिति निर्धारित करने के लिए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, या राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के प्रभाव का आकलन करता है। आप लोग मैं से इतना ही करूंगा आप लोग कि अगर आपको फर्क देखना है चाइना के और भारत के बारे में, तो आप लोग जितने भी इंडेक्स आते हैं, जितने भी सूचकांक आते हैं, उनमें भारत की स्थिति देखिए और आप लोग चाइना की स्थिति देखिए, आपको फर्क मालूम चल जाएगा कि चाइना हमसे कितने आगे है या हम कितने आगे हैं। ठीक है, और सबसे किसकी अच्छी स्थिति है, क्योंकि इस इंडेक्स से आपके क्वेश्चंस भी आते हैं हमेशा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, इसका उद्देश्य आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य सेवा वितरण आउटलेट्स के माध्यम से सस्ती कीमत पर सभी सरकारी सेवाओं को स्थानीय स्तर पर सुलभ बनाना और ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। आप देखेंगे सूचना का अधिकार एक ये वही है, आप समझिए जो अन्ना हजारे की एक तरह से आप समझिए उन्होंने आंदोलन किया, इसके लिए लोकपाल के लिए भी उन्होंने आंदोलन किया है। अब आप उपयोग करें या ना करें आपके हाथ में। आपको मौलिक अधिकार जो भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मिले हुए हैं, हो सकता है कि इनकी कीमत आपकी नजरों में कुछ ना हो, लेकिन कभी इतिहास में जाकर आप लोग देखिए इसके लिए कितने लोगों ने अपनी जान दी हुई है, कितने लोग इनके लिए पीछे शहीद हो गए हैं, आप समझ सकते हैं। यह शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में एक प्रभावी भूमिका निभाता है। अन्य पहल नीति आयोग की स्थापना, मेक इन इंडिया कार्यक्रम और लोकपाल। एक बात और आपको बताऊं, अगर आपका काम नहीं हो रहा है कहीं, सरपंच साहब आपका काम नहीं करते, विधायक साहब आपका काम नहीं करते, कहीं और काम नहीं होता है, तो आप सूचना के अधिकार का उपयोग, अधिनियम का उपयोग कीजिए। आप सोच देखिए कि सरपंच साहब जो कल तक आपको पीछे भगा देते वो आपके पीछे भगते फिरेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? हर काम का मैं तो कहता हूँ कि सूचना मांगिए कि कितना खर्चा आया हुआ है, कहाँ डाला हुआ है मास्टर,
5 साल के पैसा फंड जो भी आया हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। वैसे इनके बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके थे इनकी बायोग्राफी में, फिर भी देख लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक हिस्से के रूप में हुआ था। ग्वालियर मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है। उन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया और जिसने ब्रिटिश उपनिवेश शासन का अंत कर दिया। 1947 में वाजपेयी ने दीनदयाल उपाध्याय के समाचार पत्रों के लिए एक पत्रकार के रूप में राष्ट्रधर्म, एक हिंदी मासिक, पांच पांच जन, एक हिंदी साप्ताहिक और दैनिक समाचार पत्रों स्वदेश और वीर अर्जुन में काम करना शुरू किया। बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रभावित होकर वाजपेयी जी ने वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ में शामिल हुए। वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और वर्ष 1996 1999 दो बार इस पद के लिए चुने गए थे, 3 बार चुने गए थे। ठीक है, वो खैर छोड़िए, 2 बार इसमें लिखा हुआ है लेकिन 3 बार था। पहले सुन देखा होगा आपने कि 13 दिन के लिए, शायद हो सकता है कि उसे ना जोड़ा गया हो, फिर आप देखेंगे 13 महीने के लिए, फिर 5 साल के लिए। ठीक है, एक सांसद के रूप में वाजपेयी को वर्ष 1994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो उन्हें सभी सांसदों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में परिभाषित करता है। उन्हें वर्ष 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे आप लोग भारत रत्न कहते हैं, इससे नवाजा गया। 1994 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। इसके बाद ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट कई बार पूछ लेता है अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। तो यही कहानी है आपके सुशासन दिवस की और अटल बिहारी वाजपेयी साहब की। खैर, मनाइए, आप लोग अच्छे से पढ़िए, और कभी भी इस तरह की बात होती है राजनीति की तो आप लोग वोट उसे दिया करिएगा जो आपके बारे में सोचे, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे। ठीक है,